लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही कृषि मंत्री क्रोहीलाल मीना का इस्तीफा चर्चाओं में बना हुआ था और अब जब क्रोहीलाल मीना ने मंत्री पद छोड़ दिया तो अब इसी को लेकर राजस्थान की सियासत में खलबली मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस नेता इस इस्तीफे को सरकार की नाकामी बताकर सीएम भजनलाल शर्मा को घेर रहे, तो वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि क्रोहीलाल मीना के इस्तीफे की वजह सरकार से नाराजगी है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। लेकिन इस्तीफा देने के बाद क्रोहीलाल मीना ने मीडिया से रूबरू होते ये बता दिया कि मेरी ना तो मुख्यमंत्री से नाराजगी है ना ही संगठन से, जिस क्षेत्र में मैंने 40 साल काम किया वहां के लोग इस बहकावे में आ गए कि पीएम मोदी आरक्षण खत्म करेंगे। सुनिए क्रोहीलाल मीना ने क्या कुछ कहा। 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, तब की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलके भी आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम ओमनी नहीं बनाया, वो नाराजगी है कैसी? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता, न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका, मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। वही राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्रोहीलाल मीना के मंत्री पद से इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा नेता का इस्तीफा इस सरकार की नाकामी है, उन्होंने जो कहा था वो किया, उन्होंने कहा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, उन्होंने यही कहा कि सरकार के नीतियों से जनता संतुष्ट नहीं है, जनता के हित में निर्णय नहीं हो रहे, वो काफी समय से दुविधा में थे, यह होना ही था। बता दें फिलहाल क्रोहीलाल मीना के गैर मौजूदगी में सरकार ने उनके विभाग का प्रभार 2 मंत्रियों में बांट दिया, ऐसे में अगर विधानसभा के बजट सत्र में कोई विधायक क्रोहीलाल मीना के विभागों से जुड़े सवाल करता है तो उनके जवाब अब इन्हीं 2 मंत्रियों को देने होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।